जानवी, एब्सोल्यूट ऑनर। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, पता नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लग नहीं रहा है कि दिल्ली जीतेगी। यार अभी आप कह रहे हो कि मुंबई के पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा। अच्छा, इसीलिए जीतेगी, हाँ। क्योंकि मुंबई के पास हारने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। होता है ना कि दिल दिल से आपको आवाज आती है कि नहीं, ये आरसीबी ले जाएगी, तो आरसीबी ले जाएगी तो मुंबई आज उनको मैच जीतना है, क्योंकि आरसीबी क्वालिफाई करेगी। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आरसीबी विल क्वालिफाई टुडे। आरसीबी विल क्वालिफाई टुडे, ये फीलिंग की बात है। ये जायसवाल के बारे में क्या सोचती है? एट द राइट टाइम ही इज हिट द राइट काइंड ऑफ फॉर्म। जी, कल भी आप चेतन अगर देखो तो उनके ऑलमोस्ट 60 रन के आसपास थे, और उन्होंने जिस हिसाब से पारी खेली, काफी मैच्योर तरीके से पारी उन्होंने खेली। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो फिनिशर का रोल भी अदा करते आखिर में जाते जाते, लेकिन ठीक है, वो आउट हो गए। अच्छा लगता है कि जब ऐसे युवा खिलाड़ी, स्पेशली जब आपकी फ्रेंचाइजी आप में इतना विश्वास शो करती है, आपको रिटेन करती है, और फिर आप इतना अच्छा प्रदर्शन जाके करो, तो एक यंगस्टर ऐसे प्रदर्शन दे रहे हैं तो वो इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अभी सीरीज आने वाली है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी खेलने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि युवा खिलाड़ियों के आके इतना अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। और आज